हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं दिवाली स्पेशल रेसिपी, बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू के बिना जैसे दिवाली रेसिपी अधूरी है, तो मैं बेसन के लड्डू से शुरू कर रही हूं आज की रेसिपी। जो ये बेसन के लड्डू की रेसिपी सबसे अलग है, मैंने इसको बनाने के लिए अलग से ड्राई फ्रूट्स लिया है और मैंने एक ट्रिक भी ऐड किया है। अगर आप मेरे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो डिलीशियस लड्डू बना है बेसन का कैसे बना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। हाँ तो फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन। ये वाला देखिए, ये जो कटोरी देख रहे हैं ना, ये कटोरी में नाप के लिया है 2 कटोरी बेसन। आप कप में भी ले सकते हैं या तो कटोरी में भी ले सकते हैं। और घी मैंने 1 कटोरी लिया है और हम पूरा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा यूज़ करके थोड़ा रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है, थोड़ा सा काजू को कूट के लिया है, आप काट के पतला पतला काट के भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बादाम लिया है जो काट के लिया है, और आप कूट के भी ले सकते हैं। 2 कप बेसन लिया है तो 1.5 कप मैंने भूरा लिया है पाउडर शुगर। आप मीठा अपने स्वाद अनुसार 2 कप भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने पानी लिया है। कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, घी को डाल देंगे और थोड़ा सा बचा के रखेंगे। बाद में अगर जैसे सूखा सूखा रहता है बांधने के टाइम अगर हमारा बेसन का लड्डू, तो हम क्या करेंगे, ये घी को यूज कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, घी को मेल्ट होने देते हैं। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसन जो लिया है हमने, बेसन को घी में डाल के अच्छे से भूनेंगे। घी से बेसन से क्या होगा, जैसे कि हमारा बेसन से कच्चा स्मेल होता है वो चला जाए, उसके बाद हम बाकी जो प्रोसेस करेंगे। तो अभी देखिए घी मेल्ट हो गया है। हम क्या करेंगे, इसमें बेसन डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूस हम चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, बेसन हमारा जल सकता है। इसीलिए देखिए, ये मैंने जो बेसन डाल दिया है, अभी मुझे इसको कंटिन्यूस चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके कंटिन्यू चलाना है। अगर जैसे कि आपको सूखा सूखा लगता है तो आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, और हमेशा लड्डू बांधने के टाइम एक्स्ट्रा घी लेके चलिए। घी अगर आपका सूखा हो जा जैसे बेसन अगर सूखा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, घी डाल सकते हैं। पहले से अगर घी डाल देंगे ज़्यादा तो आपका जो मिक्सर पतला हो जाएगा। तो पहले आपको ज्यादा घी नहीं डालना है, उतना ही डालना है जो अच्छे से आपका बेसन मिक्स हो जाए। तो चलिए मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने कंटिन्यूस चलाया है 5 से 7 मिनट तक। फ्लेम को कभी थोड़ा सा मीडियम रखा, कभी लो रखा। अगर जैसे लगता है कि आपका बेसन जलने लगा है या तो ज़्यादा लाल हो रहा है, तो फ्लेम कम करके उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कच्चा स्मेल भी चला गया है, बेसन हमारा अच्छे से भून गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं गैस का फ्लेम कम रखा है मैंने। अभी मेरा जो ये जो बेसन अच्छे से भून गया है, तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, गैस ऑफ कर दूंगी। गरम गरम में मैं पाउडर शुगर नहीं डालूंगी। अगर मैं पाउडर शुगर इसमें डाल दूंगी गरम गरम में बेसन में, तो क्या होगा, पूरा ये पतला हो जाएगा और बेसन का लड्डू नहीं बांध पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने जो ये जो गैस पे चढ़ाया कढ़ाई को, इसको मैंने गैस ऑफ कर दिया है और मैं इसको नीचे उतार दूंगी। नीचे उतार के कंटिन्यूस मुझे चलाना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ूंगी तो नीचे से पकड़ लेगा। और इसको क्या होगा, पूरा ठंडा होने के बाद, पूरा ठंडा मतलब जो जैसे कि हम लड्डू बांध सकते हैं,
इतना होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा ठंडा हो जाए। और पूरा ज़्यादा गर्म भी रहेगा तो हमारा चीनी चीनी क्या होगा, पानी मेल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और कंटिन्यूस चलाते हैं, नहीं तो क्या होगा, कढ़ाई गर्म है, हमारा ये बेसन नीचे से पकड़ सकता है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिया है वो सब मिक्स कर देंगे, और ये चीनी भी भूरा भी डाल के मिक्स करके फिर लड्डू बांधेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो ये बेसन का मिक्सचर नॉर्मल हो गया है, मतलब लड्डू बांधने लायक हो गया है। अभी मैं इसमें एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये कोकोनट पाउडर लिया है, ये कोकोनट जो मार्केट में मिलता है, तो मैंने सुपरमार्केट से ये कोकोनट पाउडर लिया है। तो आधे कप के आसपास मैं कोकोनट पाउडर इसमें डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, आप आधा कप भी डाल सकते हैं, एक कप भी डाल सकते हैं। कभी कभी किसी का बेसन का मिक्सर जैसे पतला हो जाता है, तो उस केस में नारियल का भूरा जागर ज़्यादा डालेंगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा और मिक्सर पतला भी नहीं होगा। अभी मैं क्या करूँगी, हमने जो इलायची पाउडर, काजू और बादाम लिया था, मैं इस मिक्सर में डाल देती हूँ। और फिर हमने 1.5 कप जो चीनी लिया था, पाउडर शुगर ही लेना है आपको, चीनी नहीं लेना है। चीनी लेंगे तो फिर वो मिक्स नहीं होगा बेसन में, चीनी चीनी रहेगा। तो पाउडर शुगर को मैंने डाल दिया है। अभी मैं इस सब को क्या करूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए ये कितना ठीक हो गया है, जो हमारा परफेक्ट लड्डू बनेगा। पतला बिल्कुल नहीं हुआ है, पतला होने से लड्डू बांधने में दिक्कत होती है और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता है। अभी जो हमारा ये बना है एकदम परफेक्ट मिक्सर है। तो मैं सबको मिक्स करके अभी लड्डू बांधना शुरू करूंगी। देखिए बहुत अच्छा बन गया है मिक्सर, अभी हम लड्डू बांधेंगे। देखिए मैं हाथ से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि ये अभी नॉर्मल है, लड्डू बांधने लायक है। देखिए मैं एक बांध के भी आपको दिखा सकती हूँ, देखिए कितना परफेक्ट बना है। मिक्स अच्छे से और मिक्स करना है, बस मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ कि हमारा मिक्सर कितना अच्छा बना है, और लड्डू भी बहुत अच्छा बनेगा। देखिए देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया है आपको वैसे ही करना है। और हमेशा नारियल का भूरा रखना है आपको, अगर आपका जो मिक्सर पतला हो जाता है तो आप उसमें नारियल का भूरा डाल के टाइट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अच्छे से मिक्स करके फिर लड्डू बनाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए एक लड्डू मैंने बना दिया है, बहुत अच्छा लड्डू बना है, और दूसरा भी देखिए मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे ही मुझे सारा रेडी करना है, मैं और एक बना के दिखा देती हूँ। देखिए मुझे एक्स्ट्रा घी लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना मैंने मिक्सर लिया था उससे ही अच्छा लड्डू बन रहा है। आपको ऐसे ऐसे करके लड्डू को बांधना है, देखिए बहुत अच्छा लड्डू बन गया है। मैं ऐसे सब रेडी कर देती हूँ, फिर हम प्लेटिंग करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए अभी बेसन के लड्डू मैंने रेडी कर दिया है। 2 कप बेसन लिया था, 1 कप घी लिया था, 1.5 कप पाउडर शुगर लिया था, और 1/2 कप मैंने नारियल का भूरा लिया था, और इतने में से 12 लड्डू बन गए हैं बेसन के। तो मैंने देखिए अभी 9 लड्डू ही जो मैंने प्लेटिंग किया है, अब देख सकते हैं लड्डू कितना अच्छा बना है। और ऐसे ही बनाइए फ्रेंड्स लड्डू, जैसे मैंने आपको बताया है वीडियो में, बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, कभी आपका लड्डू जैसे पतला हो जाता है तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, उससे वो लड्डू थोड़ा टाइट भी हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा लड्डू बना है, ऊपर से मैंने देखिए कितना अच्छा लड्डू है, ना पतला है ना ये, और रहेगा तो घी सोखता है,
तो और भी टाइट हो जाएगा और खाने में बहुत मजा आएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बनाइए लड्डू, बेसन के लड्डू। लड्डू के ऊपर मैंने काजू रखा है, आप पिस्ता भी रख सकते हैं और बादाम भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।